बुद्ध और आम्रपाली की कहानी, बुद्ध एंड आम्रपाली स्टोरी। इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगरवधु आम्रपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपति ने ही उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। बहुत ही रूपवान थी। जब आम्रपाली किशोरावस्था में पहुंची तो पूरे नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफी चिंतित रहते थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक साथ भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगरवधु बना दिया। आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। आम्रपाली को धन आभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। उसके इर्द गिर्द सेविकाएं रहती थी। आम्रपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी प्राप्त थी। 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देख बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा। जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आम्रपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया।